यहाँ पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। त्रिलोक जी स्वागत है आपका। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास या क्या आपके आरोप है यहाँ पर? जी सबूत हमारा काफी पहले से 2006 से लेके हमारी पार्टनरशिप की ये जो आरोप लगे हैं, ये आरोप जो स्टील लिंक के और जो मनोज सिन्हा वगैरह के जो हमने आरोप लगाए हैं, ये 100% सही हैं, क्योंकि ये अनिल जैन बिल्डर की दो टाउनशिप हैं, एक राजनगर एक्सटेंशन में और चिमेरा के नाम से, शौर्यपुरम के नाम से है। ये पहले जीडी के डिफॉल्टर थे और उसके बाद इनकी टाउनशिप अब से कुछ समय पहले स्टीलिंग की कार्रवाई होने वाली थी। इनकी बेटी नीति है जो भाजपा यूथ की नेता है, तो इनको इससे भी नहीं मिला था। तो तब इन्होंने मनोज सिन्हा जी से, जो वर्तमान डीएम है, उस समय मेरे सामने की ही घटना है, इसलिए मैंने ये लिखा है। मेरे सामने की घटना है, अनिल जैन ने उनको टेलीफोन किया, उनकी बेटी का फोन आया कि पापा मैंने मनोज जी से फोन करा दिया है डीएम को, और हम बात कर लेंगे, जो भी कुछ लेना देना है आप इसको करिए। और जो लेन देन की बात है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि त्रिलोक अग्रवाल जी, ये ऐसे ऐसे मामला हुआ है, दोनों टाउनशिप की जो सीलिंग की कार्रवाई है वो रुकी है, ठीक है। दूसरा मैटर है जी, दूसरा मैटर है कि इनकी टाउनशिप है शौर्यपुरम में, वहाँ 2006 में जो इन्होंने आवासीय लैंड परचेज की थी अपनी टाउनशिप के लिए, शासन से उसका लाइसेंस मिला था, उसको 2010 के बाद जो फॉर्मर थे उनको एक्सचेंज में इन्होंने एग्रीकल्चर जी, जो अपना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण थे जिसमें नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पास था, उसको स्टाम्प चोरी करके उसको 19,000 रूपए मीटर की लैंड को इन्होंने 6,335 रूपए की दर का स्टाम्प लगा के सिंगल साइड से वो एक्सचेंज इन्होंने किए, तो उसमें करीब 30 करोड़ से ऊपर का घोटाला है इन्होंने ग्रीन बेल्ट में और चिमेरा में, ठीक है। ये आप कई सारे ऐसे मौके बता रहे हैं जब जब यहाँ पर रिश्वत ली गई है। तो फिलहाल ये बताएं कि अब जबकि आप ये दावा कर रहे हैं, तो अभी आपने खुलासा किया है इसका, तो क्या करेंगे आगे आप? देखिए, यदि यहाँ से कार्रवाई, हमने कमिश्नर महोदय को शिकायत की है, वो इस पर जांच कराएंगे, और शासन से भी मैं शासन को भी लिखा था, मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा था, वहाँ से भी कल मेरे पास फोन आया था कि आपकी जो शिकायत है इसको पोर्टल पर रख दिया गया है जनसुनवाई के अंतर्गत, और इस पर जांच होगी। इसके जांच प्रशासन क्या करता है, बाकी तो जो हमारी यहाँ के डीएम महोदया है वो जिलाधिकारी भी है और जीडीए की वीसी भी है, तो इसमें जो सीलिंग की जो कार्रवाई है, दोनों टाउनशिप की फाइल जीडीए में मौजूद है, पत्रावली पर आदेश है, और जो इनका नोटिस सर्व हुआ था, इनको नोटिस की कॉपी भी मेरे पास है, जहाँ आधा घंटे पहले सीलिंग होने वाली थी उसके बाद सारी सीलिंग को रोक दिया गया, और इन्होंने मुझे बताया था जनता ने कि इनको जो है जो जीडीए की वीसी महोदय है इनको पैसा भिजवाया गया सेक्रेटरी को, और एक प्रवर्तन खंड होता है जीडीए में जो अवैध सीलिंग जो अवैध निर्माण को सील करते हैं उनको भी, तो जो हमारी कंप्लेंट है हमने उसमें पूरा खुलासा किया है और सत्यता के आधार पर किया है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को आरोप लगा, हम इसे चाहते हैं कि जांच हो और जो डीएम महोदय पर आदेश जो आरोप लगे हैं वो उनकी जांच हो, कम से कम उनकी छवि खराब ना हो और जो सच्चाई है वो सामने आए।